शांति। गुड इवनिंग सभी, सीधा होके बैठे, बी स्ट्रेट। विजुलाइज करेंगे सब आज के मेडिटेशन में विद हीलिंग रेज। Visualization only in a silent state of mind can be done. बहुत ही important है उसके लिए कि हम अपने बाहरी मन को शांत करें। उसका सबसे आसान तरीका है एक जगह पर किसी एक आसन में या कुर्सी पर बैठकर शरीर को सीधा और स्थिर रखें। द फोरमोस्ट कंडीशन अपराइट पोजिशन ऑफ द बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान के दौरान, जिसमें हायर एनर्जीज करंट फ्लो होते हैं। रिलैक्स फोरहेड, अपने स्थूल शरीर को देखें, द फिजिकल बॉडी मेड ऑफ फाइव एलिमेंट्स, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल तत्व। पांच तत्वों के कार्य में रहता है हमारे स्थूल शरीर। देखें सभी बंद आंखों से, जीव कहा जाता है इसे, लेकिन जब इसमें एनर्जी, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, कहने का अर्थ है जब लाइफ फोर्स शरीर में आ जाता है, हलन चलन होता है शरीर में, जीवात्मा कहलाती है। यही वो एनर्जी है, ये वो पावर है जो हमारे शरीर को चलाती है। द ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी, बट आई एम नॉट द बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं जिसको हम स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, आत्मा, लाइफ फोर्स, प्राणिक एनर्जी, जो भी नाम दे दें, विच इज द ऑपरेटर ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, विचारों की मालिक, मन की मालिक। भ्रुकुटी के मध्य में अपने ध्यान को फोकस करें, जहां सोर्स ऑफ एनर्जी रेसाइड करती है। दोनों आंखों के बीच में, भ्रुकुटी के मध्य में, अब अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखें। बहुत ही अच्छे से विजुलाइज करें, मनोचित्रण करें कि मैं इस शरीर को चलाती हूं एक शक्ति। पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी,
हमारे इस शरीर के अंदर अब मनोचित्रण करें और एक शरीर का सूक्ष्म शरीर द बॉडी ऑफ एनर्जी द बॉडी ऑफ लाइट, मैं लाइट के कार्ब में, लाइट के शरीर में अब देखें अपने आप को, स्थूल शरीर के ही अंदर और एक शरीर सूक्ष्म शरीर द बॉडी ऑफ लाइट। मैं जब जब तनाव में आता हूं, जब जब भयभीत होता हूं, मैं चिंतित होता हूं, बहुत सारे नकारात्मक विचार मेरे अंदर चलते हैं, या मैं इमोशनली आउटबर्स्ट हो जाता हूं, अपसेट हो जाता हूं, डिस्टर्ब हो जाता हूं, रेस्टलेस हो जाता हूं, तब तब मेरे शरीर के अंदर ही जो शरीर है, ऊर्जा का शरीर, वहां ऊर्जा का फ्लो जो ब्रह्मरंध्र से, टॉप ऑफ द हेड से, नाड़ियों के रूप में मेरे समस्त शरीर में जाता है। लेकिन जब ये ऊर्जा का बहाव कम हो जाता है या रुक जाता है, तब मैं मेरे एथेरिक बॉडी में जगह जगह पर रेड पैचेस, ब्लॉक्ड एनर्जी रेड पैचेस के रूप में, और जिसकी वजह से आई फॉल सिक, मैं बीमार हो जाता हूं। मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं, बात बात पर गुस्सा हो जाता हूं, दुख का इमोशन, गिल्ट का इमोशन मेरे पूरी एनर्जी को शरीर में आने से तो रोकते ही हैं, लेकिन ब्लॉक कर देते हैं। अगर एनर्जी ब्लॉक अगर मेरे कंधों में है, आई गेट फ्रोजन शोल्डर। अगर मेरे ब्रेन में है, आई गेट ए हेडेक्स और माइग्रेन। अब यही ऊर्जा अगर मेरे पेट के हिस्से में कम पड़ जाती है, आई गेट ऑल द डाइजेस्टिव एंड एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, एसिडिटी, डायबिटीज, कब्ज, अपचन, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, हार्ट में ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन, ब्रेन स्ट्रोक, लंग्स में अगर यही एनर्जी कम है तो एयरवेज में इंफ्लेमेशन की वजह से, क्रॉनिक इंफ्लेमेशन इन द एयरवेज इन द लंग्स, अस्थमा। अब विजुलाइज करें सभी, भारी मन के शांत होते ही, विचारों की गति कम होते ही मेरा मन शांत हो जाता है। मन के शांत होते ही कॉस्मिक एनर्जी, वैश्विक शक्ति मेरे ब्रह्मरंध्र से, टॉप ऑफ द हेड से, मेरे समस्त शरीर की नाड़ियों में प्राण का बहाव, स्त्राव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड एथेरिक पैचेस
डिसॉल्व हो जाने की वजह से आई फील एब्सोल्युटली डिजीज फ्री. जितना जितना ज्यादा हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं उतना ज्यादा एकांतवास में, अंतर्मुखता में, पूरी खामोशी में, रात की गहरी नींद में भी ये ऊर्जा मुझे हील करती है. लेकिन वो पर्याप्त नहीं है. जागरूक अवस्था में भी अपने आप को लोअर एनर्जीज में, लोअर फ्रिक्वेंसीज में ले जाने के साथ आई गेट हीलिंग. मैं क्या सोचता हूं, क्या बोलता हूं, मेरे कौन से बिलीव्स हैं, कौन से इमोशन थे जो मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं, ये सभी मेरी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं. अब विजुलाइज करें सभी अनंत असीम बेशुमार किरणें, द हीलिंग रेज, सफेद किरणें, पवित्रता की किरणें, पवित्रता के सागर से एंटर होती हुई आपके भ्रुकुटी के मध्य में और वहां से पूरे समस्त शरीर में. विजुलाइज करें ये ऊर्जा आपके एंटायर फेस में, कंधों में, चेस्ट, एब्डोमेन, समस्त शरीर में प्रवाह होती हुई ऊर्जा से जितना एकांतवास का गहन अनुभव मेडिटेशन में उतना ही ज्यादा क्लांजिंग, सफाई अतिर पैचिस की, उतना ही मैं डिजीज फ्री, सिकनेस फ्री. देख सकते हैं सभी अपने सूक्ष्म शरीर को फुली क्लियर्ड ऑफ द रेड हर बीमारी, हर पीड़ा से आप मुक्त हो चुके हैं. फील करें, महसूस करें, विजुलाइज करें, आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, फीलिंग ग्रेट, जुबिलियंट, वंडरफुल, अमेजिंग, फीलिंग क्वाइट वाइब्रेंट. ये सब देखकर मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है. आई एम फीलिंग फंटास्टिक, जुबिलियंट, वंडरफुल, अमेजिंग. ये देख करके मैं सभी रोगों से मुक्त हो चुका हूं. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको, सभी बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं. फील करें, विल बी एब्सोल्युटली फाइन, फिजिकली फिट एंड फाइन. हाउ विल बी फीलिंग द सेम फीलिंग अट्रैक्ट्स the absolute fitness of your body and the mind. Yes. Now slowly, आंखें खोले.
ओम कल शांति रात भाई। को। ओम शांति। हाँ बोलो भावना जी। जी भाई जी, मैं वही बता रही थी कि कल रात को आपने बोला था 21 मिनट करने के लिए, हाँ तो मैंने किया, लेकिन मेरे को तो 2 बजे तक नींद ही नहीं आ रही थी। अच्छा, यही भाई जी मेरे साथ भी हुआ है, यही मेरे मैं साथ सोई भी नहीं। हुआ है भाई जी। मतलब क्या जैसे है, बॉडी को आदत पड़ी हुई है तनाव में सोने की। कल पहली बार आप रिलैक्स करके सोए तो बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने भी कल फिर से 21 मिनट किया, आई डिड 28 मिनट्स। मुझे वापस बहुत ही गहरी नींद आई है, वेरी साउंड स्लीप। अगर आपको कोई भी इरेगुलरिटी आती है, उसको दूर करने का एकमात्र साधन है कंटिन्यूटी विद द सेम प्रोसीजर। राइट, कंटिन्यूटी विद द सेम प्रोसीजर। जब पहली पहली बार देखिए, हम जो विपश्यना में जाते हैं ना मेडिटेशन करने के लिए, तो 7वें दिन पर बहुत बड़े शेल्स में बिठाते हैं, शेल्स में, और वहां पूरा अंधेरा होता है, लाइट जला के अंदर जाना पड़ता है, अंदर लाके लाइट बंद कर देना पड़ता है। आप अपने नाखून को भी नहीं देख सकते हैं। मेडिटेशन इज द क्लांजिंग प्रोसेस। प्राणायाम में भी हम क्या कर रहे हैं, नाड़ियों का शोधन कर रहे हैं। राइट, तो शुरुआत में जब हमारे नर्वस टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसा होना क्वाइट पॉसिबल है। लेकिन इसका एकमात्र उपाय है मोर ऑफ द सेम थिंग। प्राणायाम है तो प्राणायाम, मेडिटेशन है तो मेडिटेशन। मेडिटेशन में कई लोगों को शुरुआत में दर्द होते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार पूछते हैं ऐसा दर्द क्यों हुआ, तो कहते हैं इसकी कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज है मेडिटेशन के डोज को बढ़ाओ, प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंस। तो उसका जब डोज बढ़ाओगे, हर रोज करोगे, तो ये इतने वंडरफुल रिजल्ट देगा कि पूछो मत। भावना जी, हुआ क्लियर आपको? जी भाई जी, किया बराबर था ना, लेफ्ट से लेके राइट से बाहर किया था। जी, पूरे कंटिन्यू 21 मिनट तक किया था। देखो अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट से लेके और फिर लेफ्ट से ही छोड़ रहे थे। ऐसे लोग अगर 21 मिनट करेंगे ना, तो उनका बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। लगातार चंद्र अगर आप एक्टिवेट करते रहोगे, तो चंद्र अगर ज्यादा चलेगा तो भी आपको हेल्थ मिलेगा नहीं। आपको सर्दी होगी होगी, बाउंड टू बी, नाक बहेगा, तो प्लीज ध्यान रखना। मैंने अगर चंद्रांग प्राणायाम करने को कहा है, तो उसके कितनी रिपीटेशन बोले मैंने, 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। राइट, ओनली 2 मिनट्स, राइट से 2 मिनट, या 7 राउंड, 7 काउंट्स, या 2 मिनट्स। और फिर मैंने अल्टरनेट ब्रीदिंग, लेफ्ट से अंदर राइट से बाहर, राइट से अंदर लेफ्ट से बाहर, फिर जाना है अनुलोम विलोम में। तो जिनको भी ऐसा अनुभव हुआ है, अगर ये चीज अगर ऐसा ही करती थी तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ है। आप भावना कंटिन्यू करके देखो, यू आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल इफेक्ट ऑफ दिस। हाँ सुरजीत है, बोलो। यस सर, रात को मैंने 11 मिनट किया, 10:30 बजे हाँ, सोया, 4:15 बजे तक ऐसी नींद आई, पूछो मत, 4:15 बजे उठ सेम गया इज सर, विद मी, द वेरी गुड सेम इज विद स्लीप। मी, एंड इन द द सेम इज मॉर्निंग विद मी। आफ्टर गेटिंग अप 15 मिनट्स मैंने किया, वो वेरी कल तो मैं गुड। सुबह तो नहीं किया, मेरे को मेडिटेशन वगैरह के लिए टाइम नहीं मिलता, नहीं तो फिर मुरली का टाइम हो जाता है, तो आई एम बिजी इन द मॉर्निंग, नहा धोके से बैठना पड़ता है ना मुरली के लिए, तो सुबह तो मैंने नहीं किया। लेकिन वो 10 मिनट किया, वो 10 मिनट किया, सारे प्राणायाम किया, आसन किया घुटनों के लिए। मुझे रोज अभ्यास करना ही होता है, डेली डेली मुझे घुटनों के लिए करना पड़ता है प्रैक्टिस। तो भावना समझ में आया आपको? और किसका अनुभव? यस विजय लक्ष्मी, आप बताइए, आप तो हमारी स्टूडेंट है पुरानी, सर जी, आपने मुझे इतना नींद एडवांस सीख। का हाँ हाँ प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं मतलब मेडिसिन अभी किया मैंने, कल तो मैं मुझे लगता है 9 मिनट में ही सो गई, मुझे पता ही नहीं चला देखो, कब सो गए ऐसा। रिलैक्सेशन, सी द ब्यूटी। हाँ भारी और मन धीरे से शांत होता है, भाई यू फॉल असलीप। जी ओम हाँ हाँ शांति। और सीधा भाई जी, 3 बजे ही उठी रात को। हाँ भाई जी, बिल्कुल, मैंने तो 7 मिनट किया और 7 मिनट में ही ऐसी नींद आई खूब गहरी। मैंने कहा मैं ज्यादा टाइम नहीं करूंगी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाऊंगी। देखो क्या ओम है शांति भाई एक्चुअली। जी। अगर हाँ, एक मुझे बोलने दो, अगर आप
इस प्राणायाम को जितना स्लो करोगे ना उतना फायदा ज्यादा होगा, भागना नहीं। द स्लोअर द प्राणायाम इज द मोर कामर योर माइंड विल बी। अब जितना शांत मन से सोओगे तो क्या होगा, आपको नींद गहरी आएगी, यू कैन गेट द डेल्टा स्लीप, स्लीप विच इज ड्रीमलेस स्लीप, राइट। हाँ बोलो भाई, किसको और बोलना है, बोलिए प्लीज। ओम शांति भाई जी, मैं वंदना बोल रही हूँ। हाँ बोलो। मैं भी 21 मिनट किया ना तो मुझे भी नींद नहीं आया भाई जी, रात को नींद नहीं आया, फिर अमृत वेला करके तब मैं जाके सोई। भाई जी इन्होंने 21 मिनट पहले ही सोच लिया होगा कि 21 मिनट करना है, तो इन्होंने करते रहे होंगे, तो 21 मिनट की इनको चिंता थी, मेरे तो ऐसा लगता है थोड़ा सा धीरे धीरे। मेरे अनुभव से क्या ये कहता है ना कि जब हम किसी चीज की सफाई करते हैं और वो हमने उसकी सफाई कभी की नहीं है, कमरा बंद है और आज उसकी सफाई कर रहे हैं, बराबर तो धूल उठेगी, है ना, सफोकेशन होगा, दीज आर द साइड इफेक्ट्स, इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन इसका इलाज एक ही है, कंटिन्यूटी। आपने भावना कंटिन्यू करो इसको, यू विल हैव द वंडरफुल रिजल्ट्स इन द फ्यूचर टाइम टू कम। और आपको ऐसा बोल के करो कि मैं अब इतने समय के लिए चंद्र भेदन प्राणायाम करने जा रही हूं, और चंद्र भेदन प्राणायाम करते ही मेरा बाहरी मन शांत हो जाएगा और मैं रात भर गहरी नींद सोकर सुबह इतने बजे उठूंगी। गिव माइंड अ थॉट, उसको फीडअप दे दो, समझा कि नहीं भावना। आप आगे ऐसा कर सकती हैं रात को सोने के समय करने के पहले। सर जी भावना इज दैट टू यू? हाँ हाँ सर जी, अगर मॉर्निंग में करें तो? नहीं मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, मॉर्निंग कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट, लेकिन मॉर्निंग में तो आपकी नींद खुल जाती है ना। अगर समझो आपकी नींद अगर अच्छा। समझो रात की बराबर होगी तो सुबह ताजगी होगी, बराबर बराबर नींद अगर कच्ची रही सुबह उठ के आपने किया, लेकिन आपको जो फायदा नींद के पहले मिलेगा ना, ऑफ द साइलेंट माइंड, ऑफ द पीसफुल माइंड, कामर माइंड, तो दैट विल हेल्प टू मेक योर स्लीप मोर डीपर, मोर ऑफ डेल्टा। तो वो नींद अगर अच्छी होगी तो नेचुरली आपका ज्यादा एनर्जी जाती है ना, जितनी नींद गहरी जितना मेडिटेशन ज्यादा उतना यू गेट लॉट ऑफ मोर एनर्जी विच हील्स यू, गॉट माय पॉइंट। तो रात को करना, भले आप 21 मिनट मत करो, अब 5 मिनट करो, 10 मिनट करो। अभी 21 मिनट क्या है मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोलते भी हैं ऐसा, मैं तो इतना अलमस्त आदमी हूँ, आपको मालूम है मैं एक एक प्राणायाम लेके बैठा हूँ, एक मुद्रा में एक प्राणायाम 45 मिनट करता हूँ, कपालभाति करने बैठा तो आज तक तो मुझे एक घंटा करना तो रुकता ही नहीं, भले 4 बार किया लाइफ में, पर क्या है आई एम फुली अवेयर, आई एम फुली कॉन्शियस, मैं ज्यादातर जल्दबाजी जबरदस्ती नहीं करता हूँ, एक बार मन में ठान लिया मुझे करना है तो करना है, लेकिन रिलैक्सेशन से ही करता हूँ आखिरी तक, अपने आप को जरा भी ओवर डूइंग स्ट्रेन फॉलोइंग आपको बराबर शायद उसका रिजल्ट नहीं मिलता, बट यू कीप इट अप। 21 मिनट बहुत ज्यादा लगता है तो गो फॉर 7 मिनट्स मॉर्निंग, 7 मिनट्स में, ठीक है। ये सबको क्या बोलना है, लीना आप बोलना क्या, कुछ लीना, एक मिनट लीना को बोलने दो, लीना बोलो। हाँ भाई जी, कल मुझे भी ऐसा ही हुआ था, एक्चुअली मुझे थोड़ी सर्दी और फीवर दोनों था, और जैसे ही मैंने करने लगा तो जब मुझे नींद पूरी पूरी रात नहीं आई ना तो मैं डर गई, बोली ये क्या हुआ, कल तक तो आ रही थी और दो दिन ये करते ही नींद नहीं आई। लेकिन आप अभी जब बोले कि हमारे इतनी कॉमनेस में सोने की आदत ही नहीं है, मे भी वही होगा कि किचरा निकला है। नहीं नहीं पहले ही आपको सर्दी थी, हाँ बराबर, उसमें आप सर्दी को बढ़ाओगे तो क्या नींद आएगी आपको? नहीं आएगी। नींद कैसे आएगी? आप लेफ्ट नॉस्ट्रल को और ओपन कर रहे हैं, और ओपन कर रहे हैं तो सर्दी आ सर्दी आ सर्दी आ, यू शुड नॉट डू। सर्दी रहती है तो हम एक्चुअली लेफ्ट नॉस्ट्रल को एक्टिवेट करते हैं, फिर लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में जाते हैं। आपको सर्दी वालों को, अस्थमा वालों को नहीं करना चाहिए प्राणायाम, समझ आया? This we are basically doing to calm down our nervous system, क्योंकि चंद्र नाड़ी को, अगर चंद्र नाड़ी, रात को सूरज होता है, रात को चंद्रमा होता है शीतलता, और दोपहर को सूर्य होता है, दोपहर को हम लोग क्या है सूरज होता है, we become active, नींद से उठते हैं ना जब काम पर जाते हैं तो we should be active, जब सूरज रहता है तो उस समय हमारा सूर्य एक्टिवेट होना चाहिए, लेकिन रात को सोने के पहले the more closer you are to
शीतलता के नजदीक आप रहोगे तो नींद आपकी बहुत गहरी आएगी. दैट इज द फंडामेंटल. नथिंग टू बी वरीड एज सच, इट इज आल्सो गुड साइन. आज कर सकती हो कि नहीं? आज अगर आपको सर्दी नहीं है तो डेफिनेटली कर सकते हैं. ओके चलिए आगे. और किसी कुछ बोलना है? ममता कुमार, यू वांट टू से, रेज हैंड किया आपने. ओम शांति भाई जी. मैंने किया था 10 से 11 मिनट, लेकिन बहुत अच्छी नींद आई. रात में 10:30 सोई हूँ और 3:15 बजे आंख खुली. देखो सी द ब्यूटी, द सेम इज विद मी. मेरा इतना अच्छा अमृत कला सुबह हुआ है. एक क्वेश्चन और है, तो क्या मैं वो सूर्य वेदन कर सकती हूँ? देखो सूर्य वेदन रात को अगर करोगे ना तो नींद डिस्टर्ब होगी. यू विल बिकम मोर एक्टिव ना. वी वांट टू लाई डाउन, वी वांट टू बी पैसिव नॉट एक्टिव. रात को सूर्य वेदन करके सोओगे तो आप अवेकन रहोगे फिर से. यू नहीं आएगी. ओके यस यस, दिन में कर सकते हैं. यू कैन डू इन द आफ्टरनून टाइम, नॉट द मॉर्निंग टाइम. यस. और किसको बोला? वी विल गो अहेड टुडे. यस हां जी, ओम शांति. हां भाई जी, सोनम भाई जी, मैंने ना कल किया तो अच्छी नींद भी आई, और जो मेरे को कल घबराहट भी थी ना तो वो भी मेरा खत्म हो गया, और अमृत वेला भी मतलब अच्छा हुआ था, और आज भी पूरा दिन मैं रिफ्रेश हुआ. एक्चुअली मैं वैसे मेरे को 12 बजे से नींद आने लगती है दोपहर में, लेकिन आज बहुत कूल एकदम हूँ मैं. सोई भी नहीं हूँ लेकिन बहुत रिलैक्स्ड है मेरी बॉडी. उसका कारण सोनम बहन ऐसा एक ही है कि अगर आपने रात को नींद पूरी की है, नींद गहरी की है, तो दोपहर को नहीं आती. मुझे भी नहीं आती है. मैं संडे को भी सोता नहीं हूँ. मैं माउंट में जाता हूँ, वहां तो काम कुछ रहता नहीं. दोपहर को मुझे भी नींद नहीं आती वहां पर. बॉडी को एक बार नींद अगर पूरी हो गई तो बॉडी क्यों मांगेगी सोना? यू आर नॉट लेथार्जिक ना. तो दैट इज ऑल द बॉडीज वे ऑफ वर्किंग. ओके चले आगे हम सभी. yes. ममता कुमार, आप कुछ बोलना चाहती? ममता. हाँ जी भाई जी, बस यही बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई. रात में 10 से 11 मिनट किया था, और उसके बाद सोने के बाद 3:15 बजे डायरेक्ट आंख खुली, और बहुत अच्छा अमृत वेला हुआ. शुक्रिया करना चाहती हूँ. वेरी गुड, ब्यूटीफुल. मेरा भी ऐसा अनुभव रहा है. मैं इसलिए आपके साथ साथ कर रहा हूँ ताकि मुझे भी, मैंने भी इतना कुछ डिटेल में किया नहीं है, सीखा बहुत कुछ है. चलो चले आगे अभी हम. यस यस, अभी है ना, देखिए लोग मेरे पास आते हैं, मेरा कमर दर्द उतरेगा क्या? मेरा पैरेटिक अटैक जाएगा क्या? मेरा अस्थमा उतरेगा इससे, EFT से, या फिर किडनी की तकलीफ है, ब्रेन स्ट्रोक है? ये तो मैं कॉमन बीमारियां बता रहा हूँ, बराबर ना. लेकिन द डिजीजेस जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन क्या है? सिंपली द एम्बुलेंस इन द ब्रेन केमिकल्स. और डॉक्टर लोग क्या करते हैं? ब्रेन के केमिकल्स को, एम्बुलेंस को दूर करके कोई ना कोई उसके लिए, जैसे सेरोटोनिन है वो दे दें ताकि पेशेंट अच्छा फील कर सके. यू कैन कम ऑन द डिप्रेशन, राइट? नंबर वन, सबसे पहली बात, मेरे शरीर में अगर कोई भी बीमारी है, बराबर, एनी डैम डिजीज इन माई बॉडी, मे बी क्यूरेबल आर इनक्यूरेबल, साध्य रोग है या असाध्य रोग है, राइट? डॉक्टर सिर्फ शरीर को देखते हैं, इलाज करते हैं, बराबर, और खोज उसी में ही रहती है डॉक्टरों की हमेशा. अभी हम अगर अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने बीमारियों से अपने आप को मुक्त देखना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले बदलाव अपने विचारों में लाना होगा. सबसे पहला विचार, जो आज की बीमारियां हैं, देखा जाए साइकोसोमेटिक डिजीजेस. साइको मतलब मन, सोमा मतलब तन. जो बीमारियां हैं जो हमारे मन में उपजती हैं और तन में पनपती हैं, दे आर क्रिएटेड इन द माइंड and they reside in the body. और डॉक्टर कहाँ इलाज करता है? मन का करता है डॉक्टर इलाज के शरीर का करता है. किसका करता है? तन का इलाज करता है. हाँ जी, बराबर. सबसे पहला थॉट हमें बीमार करती हैं तीन चीजें. सबसे पहला है हमारा मन, जो विचार करता है,
नेगेटिव विचार करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, पॉजिटिव विचार करोगे तो यू विल बिकम हेल्दी, राइट? उसकी तरफ हम जाएंगे। दूसरी बात, मेरे बिलीफ्स मुझे बीमार करते हैं। बिलीफ्स क्या होता है? व्हाट इज बिलीफ? एनीबॉडी? मान्यताएं। ये चार्ज को तीन चीजें, विश्वास, विश्वास, एक माइंड, एक बिलीफ्स और तीसरा इमोशंस, ये तीनों चीजें हमको बीमार करती हैं। अब बार बार मुझे पूछते हैं, मेरे को ये हो गया ठीक होगा, वो हो गया ठीक होगा। आज मैं आपको सबसे पहले फंडामेंटली क्लियर करना चाहता हूँ कि हमको बीमार करता कौन है, राइट? तो तीन बातें, नंबर वन इज थॉट, क्रिएट थिंग्स, क्रिएट योर बॉडी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मन बिगड़ा तन बिगड़ेगा, मन अच्छा हुआ तन अच्छा होने वाला ही है। एक सिक्का अगर एक साइड से खोटा है तो दोनों साइड से खोटा ही माना जाता है, बराबर? अभी बिलीफ का अर्थात बताया किसने, मान्यता, बराबर? मान्यताएं बनती कैसे हैं? यस प्लीज। सोच से, सोच से। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सोच से मान्यता बनती है। बिलीफ सिस्टम, पास्ट एक्सपीरियंस। क्या बोल रहे सुजीत भाई? एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस। Yes, closer you are, but not the perfect answer. Yes, और belief system, जवाब देना भी। जो हमारा belief system होता ना, belief system। हाँ। चाहे वो ठीक है या गलत, सही है, हमें पता नहीं, बट हमारा एक विश्वास बना हुआ कि perception जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसको हम मनी मन एक मान्यता दे देते हैं, जब तक हम किसी से काउंसलिंग नहीं करते। देखो, एक विचार जब बार बार किया जाता है कि मुझे कैंसर है, अब मैं बच नहीं पाऊंगी, मुझे कैंसर है, कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, कैंसर के लिए मुझे रेडिएशन लेना पड़ेगा, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, राइट? ये सत्य है, लेकिन मेरे बॉडी के लिए कौन क्रिएट कर रहा है? मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ। एक विचार जो बार 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 रिपीट किया जाता है, That becomes my belief. अंतर आत्मा जब स्वीकार करती है मैं एक महान आत्मा हूं, तब वो आपकी तस्वीर बनती है। ज्ञान को जब धारण किया जाता है ना, तो ज्ञान के आप स्वरूप बनते हैं। जैसे आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं इतना प्रेम स्वरूप हूं, बोलने से होता है क्या? नहीं होता है। ये बार 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 जब रिपीट करते हैं उसको फील करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, और 21 दिन के बाद जब आपके अंतरात्मा उसको स्वीकार कर लेती है, बशर्त कि आप लीकेज मत करो, डोंट मेक एनी लीकेजेस। बाल्टी भरने के पहले देखो कि उसमें होल तो नहीं है, पानी लीकेज तो नहीं हो रहा है। तो बिलीफ इज ए थॉट एक्सेप्टेड एज ट्रू बिकम्स माई बिलीफ, and I'm done unto my life as per my beliefs. मेरी जिंदगी में मुझे वो ही मिलता है जिसके beliefs मुझे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान से अगर 10 चीजें आपने मांगी हैं और भगवान 10 ही चीजें लेकर आपके पास आया है, लेकिन आप उससे उतनी ही ले पाओगे जितने का आपको belief होगा। Very clear. अगर हम 3 शब्दों में पूरे mind power का secret किताब का अगर हम उसका निचोड़ लें ना, तो 3 अक्षर में है। आस्क, मांगो, बिलीव, यकीन करो, एंड देन रिसीव, पाओ। आस्क, बिलीव, रिसीव, दिस एंटायर फंडामेंटल ऑफ दिस सीक्रेट बुक रिटन बाय रोंडा बर्न, रहस्य जिसको बोलते हैं, राइट? और तीसरा होता है इमोशन। तो सबसे पहले पहले हमको अपनी सोच को बदलना होगा कि अगर मैं बीमार हूं, मेरा शरीर बीमार है, तो शरीर की बीमारी को क्रिएट कौन करता है, बताओ? अभी हम खुद करते हैं, नेगेटिव सोच के। कैसे? नेगेटिव सोच के, सोच और हमारी नेगेटिव होती है ना, तो फिर वो चीज बन जाती है, विश्वास हमारा। और सकारात्मक सोचेंगे तो नहीं बनेगा। नहीं, सोच तो होगा ही ना, सोच के बारे में हो गया, I have approved that. और क्या
What has contributed to the disease? Disease का मतलब क्या होता है? Disease का disease का अर्थ क्या होता है? इग्नोर करना. अगर हम कोई चीज हमें हुई है, अगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, वो बॉडी में होता है. बिकॉज ऑफ दिस हम बोलते हैं कि थायराइड, जैसे थायराइड है वो हार्मोनस डिजीज है, हार्मोन्स वाली. पैनक्रेटिक ग्लैंड है, वो भी हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं. रेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, वो भी हार्मोन डिस्टर्ब होने से होते होते होती हैं. बराबर ना? लेकिन केमिकल्स इम्बैलेंस होते हैं. नहीं, और अभी तो मैंने जिक्र किया उसका, अभी अभी राइट नाउ. भावना आप बताओ, बताओ क्या बीमार करता है? विचार हमें बीमार करते हैं, और जो थॉट करते हैं ना, वो एनर्जी हमारे माइंड ब्रेन में इंक्रीज होती है. भाई जी बिलीव्स करते हैं ना, इंक्रीज नहीं होती, इंक्रीज नहीं होती है. एनर्जी यानी डिस्टर्ब हो जाती है. थॉट्स आर द बंडलिंग ब्लॉक्स फॉर द यूनिवर्सल एनर्जी टू एंटर इन अवर बॉडी. दुनिया के लोग ब्रह्मानंद बोलते हैं यहाँ पर, और हम लोग आत्मा यहाँ पर बोलते हैं. बिकॉज हमको आत्मा का ज्ञान है, दुनिया को ज्ञान नहीं है. और क्या, और क्या बताया मैंने अभी अभी? यस प्लीज टेल मी एनीबॉडी. बिलीफ सिस्टम, इमोशंस. सेकंड इज बिलीफ सिस्टम, एंड थर्ड इज द इमोशंस. सबसे पहला अपना विचार बदली करो. मैं अगर बीमार हूं तो बीमारी का कारण कोई और नहीं, बीमारी का कारण मैं हूं. मेरी सोच, मेरी मान्यता, बिलीफ्स एंड माय इमोशंस आर द कॉज ऑफ डिजीज. का अर्थ क्या होता है? डिजीज का अर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज? बोलो एनीबॉडी. Yes, very true. This ease मतलब I am not at ease. जब हम देखो, मेरी बात सुनो, आज का जो सेशन मैं ले रहा हूं ना, तो आगे जाके जितने भी लोग यहाँ पर हैं ना, तो बहुत बहुत भाग्यशाली लोग हैं. वो रोज लेफ्ट 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 करके पता नहीं कैसे आते हैं जाते हैं लोग. लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर अगर रुके रहोगे तो आपको बताता हूँ, आपको भगवान का साथ मिलेगा. आई कैन चैलेंज यू. वो सेवा भगवान मुझसे कराना चाहता है ना, जितना मैं आपको दे रहा हूँ उतना मैं पाते जा रहा हूँ. इतने थॉट्स मेरे माइंड में, मेरा थर्ड आई पूरा काम करता है, उससे पूरी फैक्ट्री चलती है. और कौन भी थर्ड आई, तो मैं सिखाने के टाइम पे मेरे को अंदर से बहुत सारे इंट्यूशन आते हैं कि ये कराओ आज, वो कराओ आज, ये कराओ. आई कम नथिंग विद द प्रिपेयर्डनेस, मुझे ये कराना है. आई जस्ट कम. मेरे आज भी सुबह देखो मैंने मेडिटेशन पूरा किया, तो फिर वो थॉट आया कि मैं आज स्पेशल क्लास कराऊंगा. तो सबसे पहला थॉट, इस बात को भूल जाओ, जो बीमारी शरीर में है वो बीमारी ठीक नहीं होगी. दिस इज इनकरेक्ट. डॉक्टर भी अगर कहता है बीमारी ठीक नहीं होगी तो वो भी इनकरेक्ट है. वी आर क्रिएटिंग द डिजीज. एवरी थॉट इज एज अ क्रिएटिव पावर. सृजनात्मक शक्ति हमारे विचार में होती है, राइट? अब हम चलते हैं कुछ बीमारियों की तरफ. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिप्रेशन है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसके ब्रेन में केमिकल्स इम्बेलेंस हो चुके हैं. तो डॉक्टर एक्स्ट्रा केमिकल डालते हैं जो ब्रेन सीक्रेट नहीं कर पाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, राइट? और पेशेंट को अच्छा लगने लगता है. और फिर जब तक दवाई ली, या इसको मैं ये कह सकता हूँ कि दवाइयों से बीमारियों के लक्षण छुप जाते हैं, दवाइयों से बीमारी के लक्षण छुप जाते हैं, लेकिन बीमारी वही रहती है. बराबर? और डॉक्टर किसका इलाज करता है बताओ? शरीर का तो बड़े रूप में हो गया, अभी सूक्ष्म में आओ. लक्षण का एग्जैक्टली. सिम्टम करता है. बराबर ना? तो फॉर एग्जाम्पल सपोज किसको है ना, देखो मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि एक ब्रिज के पास आप खड़े हैं, बीमार हैं आप. अब ब्रिज के अगर उस पार आप जाओगे ना,
वहां आपकी स्वस्थता इंतजार कर रही है, फिटनेस इज अवेटिंग यू। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलो, ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा ना, गो टू दैट साइड वेयर योर हेल्थ इज अवेटिंग यू, जो आपका स्वास्थ्य आपका इंतजार कर रहा है। उस ब्रिज पे कैसे जाना है, कैसे चलना है, और ऐसे ऐसे रोग, देखो आज के बाद ये सेशन जो है ना और भी ज्यादा सूक्ष्मता में चलता चला जाएगा। हम इसके लिए वो करेंगे ना जो EFT से भी ऊपर है, EFT तुम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी क्या है EFT करने से भी जो है ना रिजल्ट्स कईयों के पास नहीं आ रहे हैं, या तो उन्होंने पूरी तरह अपने आप को अनब्लॉक नहीं किया है, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, या फिर हम फिर क्रिएट कर लेते हैं। तो नंबर वन थिंग, ब्रिज के साइड अगर आप हैं बीमार तो ब्रिज के साइड आपकी स्वस्थता आपका इंतजार कर रहा है, बशर्त आप उस ब्रिज को क्रॉस करो। तो आपको क्या करना है, बीमारी में चिंता करना है, भयभीत होना है, निराश होना है, उदास होना है, या ब्रिज को क्रॉस करना है। वो कैसे क्रॉस करना है मैं आपको पढ़ाऊंगा, कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे ब्रिज को क्रॉस करना है, राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल है ना, समझो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का नाम सुना है किसी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसी बीमारी जिसका कोई, जिसका कोई इलाज नहीं है। मेरे पास जी, एक जी सुना है मल्टीपल, मेरे पास एक पेशेंट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की चंडीगढ़ में, मैं उनके घर में 2 बार जाके आया हूँ, पर्सनली उनके घर में गया हूँ, उन्होंने मेरा प्रोग्राम देखा था माउंट आबू में, तो मुझे वहां बुलाया गया। सेकेंड टाइम मैं दिल्ली गया था, फिर उनको प्लस में गया। थर्ड टाइम मैंने दिल्ली में उनका काउंसलिंग किया, वो आज बद से बदतर हालत में बिस्तरे पर पड़ी है, इतनी बदनसीब कि पति ने उसको छोड़ दिया है। इतनी खतरनाक बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस कि उसका अटैक्स इंसान को पूरे बॉडी में ट्रैवलिंग करते हैं, विजन चला जाता है। मैं जब उनके पास गया था चंडीगढ़ में, तो उनका पति मतलब किसी काम से उस दिन लोकली कहीं बाहर चला गया था, उनके सास ससुर थे घर में, तो मुझे कहा कि बलराम मैं जाना चाहती हूँ अपने मुल्क में, तो मैं थोड़ा बाल बनाना चाहती हूँ, आप मेरे साथ चलो। बहुत टॉल लेडी एकदम, 10 फुट 5 फुट 10 इंच। तो जब वापस आ रहे थे ना, तो वहाँ चंडीगढ़ में सब सिविल टाइप के फ्लैट्स बने रहते हैं, वापस आने उनको अपना घर नजर नहीं आता, मेरा घर कौन सा है बताओ। मतलब इतने 8 साल उन्होंने बिस्तरे में गुजारे कि अपना घर उनको पता नहीं चल सका, मेरा घर कौन सा है करके। 3 बार मैं पर्सनल उनको अटेंड कर चुका हूँ, 3 बार थ्राइस, लेकिन आज वो बद से बदतर हालत में पड़ी है। वो माँ बाप के ऊपर बोझ, दिल्ली में रहती है, नाउ हर हस्बैंड आल्सो हैज लेफ्ट हर। इसका अर्थ क्या है, EFT काम नहीं करता है, क्या मतलब इसका? इसका एक ही अर्थ है कि हमने अपने विचारों को बदला नहीं है, विचार ही हमें बीमार करते हैं। अभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस डॉक्टर क्या बोलते हैं मालूम है आपको, कि इसको कोई ना कोई वायरस ऐसा हुआ है, उसका इन्फेक्शन है बॉडी में। आज तक कोई डॉक्टर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज न निकाल पाया है, नहीं उसके कारण को ढूंढ पाया है, सिर्फ सिम्टम को देखता है। डॉक्टर अटैक आते हैं MSK, फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है घर में आके जब वो, और इतने महंगे महंगे इसके इलाज होते हैं ना कि 45,000 की इंजेक्शन लगती है ऐसे लोगों को, 45,000 आई सीन उन्हीं पेशेंट के साथ मैंने। तो भी आपको सभी को या किसी को और भी यहाँ ठीक लाना होने के लिए प्लेटफॉर्म पर लाना है, तो नंबर पहले हमें विचार को बदलना होगा कि हमें बीमार हमारे अपने विचार ही करते हैं, हमें बीमार हमारी अपनी मान्यता ही करती हैं, और हमें बीमार अपने इमोशंस ही करते हैं। आया, कौन रिपीट करेगा तीनों चीजें बताओ, कम ऑन रिपीट इट, यस, कौन रिपीट करेगा? हाँ मैं करती हूँ। हमें बीमार हमारे मन के विचार ही करते हैं, बीमार हमें हमारी इमोशंस करती हैं, और हमें बीमार हमारी खुद की मान्यताएं करती हैं। वेरी ट्रू, राइट। इस बात को, थॉट को चेंज करना पड़ेगा। मेरी सास मुझे तंग करती है, जब से मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है मेरा पति मेरा नहीं रहा है, बलराम जी मुझे बोलता है तलाक दे दे,
सी हाउ यू कैन टॉक टू मी लाइक दिस। तो आप क्या कर रहे हैं, बीमारी को एग्रीवेट कर रहे हैं या कम कर रहे हैं? अगर आप चिंतित भयभीत निराश उदास रहोगे तो क्या कर रहे हैं आप, इमोशंस को क्रिएट कर रहे हैं। तो बीमारी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, बताओ मेरे को, बढ़ा रहे हैं। सर ये तो नेगेटिव सोचने से है, पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर अलग होगा ना, ये नेगेटिव सोचने से। वो अभी अभी सवाल क्या चल रहा है कि हमारे जो सिम्टम है बॉडी में उसका डॉक्टर इलाज करता है, डॉक्टर बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। बीमार हमने अपने आप को खुद किया है विचारों के द्वारा, नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीफ्स एंड राइट। अभी समझो अस्थमा है, कोई पता नहीं करता अस्थमा क्यों होता है, सिर्फ एयरवेज जो होती है हमारे फेफड़ों में उसमें सूजन आता है, क्रॉनिक मतलब कॉन्स्टेंटली, क्रॉनिक मतलब बहुत दिनों से सूजन चलती आ रही एयरवेज में और उसको अस्थमा हो जाता है राइट। वैसे ही बहुत सारे विचार, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पता है क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है पता है किसी को? आईबीएस होता है, आईबीएस कुछ भी खाना खाया तुरंत टॉयलेट में जाना पड़ता है। जी जी जी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बाउल मतलब मैंने सफर किया, जो हमारी आंतड़ी होती है ना, थोड़े कुछ खाया तो वहां पे कुछ सेंसेशन आते हैं, फील लाइक इवैक्यूएटिंग द बाउल्स, वहां एक्चुअली बिगड़ जाता है ब्रेन का कनेक्शन और इंटेस्टाइन्स का, इंटेस्टाइनल जो चैनल होती है वहां का कनेक्शन बिगड़ जाता है और डॉक्टर ने उसको नाम दे दिया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्योंकि उसमें बार बार इंसान को टॉयलेट में जाना पड़ता है बराबर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होती है पता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये वो रोग की बात कर रहा हूँ जिनका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, लेकिन उसका इलाज भी हमारे पास है, इस प्लेटफॉर्म पर है उसका इलाज, उसका इलाज हम यहाँ पर करते हैं रोज अलग टेक्निक के द्वारा। यस, किसको पता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? अरे बाबा वो सब डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग, आर्थराइटिस मतलब ज्वाइंट पेन, मुझे बोलने दो, नहीं बुखार भी था बाबा वो सब बता, हम लोग डॉक्टर नहीं है ना, मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ। ओस्टियो आर्थराइटिस उम्र के बढ़ने के सांधे घिसने लगते हैं, वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट पेन बराबर, गाउट गठिया रोग वो भी ज्वाइंट पेन होता है, ओस्टियो आर्थराइटिस। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब क्या होता है, 2 साल की बच्ची को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसे उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, क्रिपल हो जाती है, वहां पर दर्द के साथ सूजन, सूजन के साथ डिफॉर्मेशन कई बार हो जाती है बराबर। इसका भी इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, नो रेमेडी फॉर द मेडिकल साइंस, लेकिन अल्टरनेट थेरेपीज के पास इसका इलाज है। अल्सरेटिव कोलाइटिस फोड़े पेट में, कोलोन में अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसे कई सारे लोग हमारे पास, कैंसर के कई सारे पेशेंट्स हमारे राजयोग से ठीक हुए हैं मेडिटेशन से। दूसरा फॉर एग्जाम्पल स्कोलियोसिस, ऐसा स्पाइन टेढ़ा हो जाता है बच्चे का, स्पाइन ऐसा टेढ़ा हो जाता है और लाइफ लॉन्ग ठीक नहीं होता है, बॉडी टेढ़ा हो जाता है, बच्चा क्रिपल्ड हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, उसको कोई इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं पता चला कि क्यों होता है ये। लेकिन हर जो बीमारी है उसका सिम्टम है ना, उसका इलाज डॉक्टर करता है कि स्पाइन टेढ़ा हो गया तो अभी इसको कैसे ठीक करूँ, कौन सी इंजेक्शन दूँ, कैसे इसका स्ट्रक्चर ठीक होगा वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। CFS नाम सुना है? CFS नाम सुना है कभी? कॉन्स्टेंट फटीग सिंड्रोम, CFS कॉन्स्टेंट फटीग सिंड्रोम, लगातार शरीर में थकान महसूस होती है इंसान को, सुबह उठो तो भी थकान, काम करो तो भी थकान, नहीं करो तो भी थकान, CFS। इसका भी कोई कारण डॉक्टर लोग आज तक ढूंढ नहीं पाए कि क्या है। फाइब्रोमियल्जिया मैंने बताया पहले भी आपको, अनलैंडिंग पेन इन द बॉडी राइट। तो वैसे एंग्जाइटी का भी कोई कारण नहीं है, कारण एक ही है अवर नेगेटिव इमोशंस। सेकंड थॉट क्या बदलना पड़ेगा, सेकंड थॉट क्या बदलना पड़ेगा, द कॉज ऑफ माई डिजीज, जो डिस्कवरी स्टेटमेंट है EFT का, द कॉज ऑफ माई डिजीज इज द इम्बेलेंस इन द बॉडी ऑफ एनर्जी। समझ आ रहा है आपको? द कॉज ऑफ ऑल द डिजीज इज द इम्बेलेंस या ब्लॉकेजेस इन द बॉडी ऑफ एनर्जी।
बॉडी वाले की मैंने मेडिटेशन बताया आपको, ऊर्जा का शरीर होता है, राइट। ट्रू कॉज इज नेगेटिव इमोशन, बिल्कुल दिमाग के अंदर बिठा दो, यहां पे लिख दो बिल्कुल अपने मेंटल स्क्रीन पर, ट्रू कॉज इज नेगेटिव इमोशन। कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, अगर मैं दुखी हूं, परेशान हूं, चिंतित हूं, उदास हूं, गिल फील करता हूं, तो नो वन कैन रियली सेव मी, राइट। पहली बात क्या है कि वी आर द कॉज ऑफ अवर डिजीज, डिजीज का अर्थ डिस ईज, व्हेन आई एम नॉट एट ईज आई एम डिजीज। मुझे कोई कोई बीमारी, मैंने डॉक्टर कोई भी नाम ले लें, डायबिटीज, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, रूमेटिज्म, फॉर एग्जांपल गुस्सा किया आपने, बहुत गुस्सा किया, क्या होता है बॉडी में, तुरंत चेंजेस आते हैं बॉडी में, क्या होता है गुस्से से, क्या होता है, गर्माहट आती है सर, बीपी बढ़ जाता है एकदम, वेरी ट्रू, बीपी बढ़ जाता है, और क्या होता है, सांस ऊपर नीचे हो जाती है, रेस्टलेसनेस, पसीने आते हैं, मुंह सूख जाता है, गला सूख जाता है, आंखों से झलक आती है, ओके, बॉडी में कारण कौन, एक लगता है वो सब ठीक है, अच्छी बात है, उसका कारण कौन हुआ, माय नेगेटिव, हम खुद नहीं, हमारे नेगेटिव इमोशन, हमारे नेगेटिव इमोशन, ध्यान रखो प्लीज, टेक दिस इनटू माइंड, अगर मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, मेरे घर वाले मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, और मैं परेशान हो रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ, मैं घबरा रही हूँ, मैं चिंतित हो रही हूँ, मैं निराश हो रही हूँ, तो कैंसर जाएगा क्या, और लेके आएगा, कैंसर जाएगा क्या, लेके आएगा और ज्यादा कैंसर, एक जगह से आप कैंसर के गठान को निकालोगे दूसरी जगह आ जाएगी, दूसरी निकाले रुंडा, वो लुईस ले ने क्या बोला कि अगर मैं जिंदी रही तो ये लोग जब तक मैं जिंदी तब तक मुझे काटते रहेंगे, तीन इलाज होते हैं ना, या तो ऑपरेशन या कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन होता है, या फिर ऑपरेशन या कीमोथेरेपी या रेडिएशन, ये इलाज है किसके, कैंसर के। तो अभी आज के बाद मेरे को पूरा ऊपर से इंट्यूशन आया है कि बलराम आपको सब कुछ आता है, जब सब कुछ आता है तो व्हाई नॉट टू गिव द बेस्ट टू योर स्टूडेंट्स। तो अभी मैं आज के बाद जो सेशन चालू कराऊंगा ना, हम बाकायदा हीलिंग सेशंस करेंगे, दे विल बी लेस ऑफ थियरी एंड मोर ऑफ प्रैक्टिकल्स, ईएफटी भी हम करेंगे नो डाउट इन दैट, लेकिन उसके अलावा ईएफटी का भी बाप है वो है हीलिंग एनर्जीज, जिसको आज हमने शुरुआत में देखा कि कैसे हम हीलिंग एनर्जी को ले सकते हैं, और आप देखोगे कि जो आपको फायदा इस सेशन में यहाँ पर मिलता है ना, उसे कहीं ज्यादा फायदा भगवान आपका करेगा। आज मुझे सुबह को टचिंग आई है, सुबह को कितने बजे, मेडिटेशन पूरा हुआ मेरा, उसके बाद मैंने सब इसके ऊपर चिंतन किया है लॉट ऑफ, क्योंकि मैं देते जा रहा हूँ और ऊपर वाला मुझे देते जा रहा है, देव जी देते जा रहा है, नो वैक्यूम, नेचर जो है ना, इट अबोस नो वैक्यूम। अब हल्के होके तो देखो, उधर तत्पर है तुमको खुशी सुख से संसार से भरने के लिए, आप पहले अपने दुख को तो छोड़ो, चिंता को तो छोड़ो, भय को तो छोड़ो, नेचर अबोस नो वैक्यूम, एक बार आप खाली होकर तो देखो, कुदरत को पसंद ही नहीं है कुछ वैक्यूम देखना, कुदरत वहां भर देगी। आप जितना अच्छाई को निकालोगे ना, उतनी जितना बुराई को निकालोगे उतनी अच्छाई को कुदरत बाध्य है भरने के लिए, वही हम करेंगे आज के सेशंस में। इसके बाद वी आर गोइंग टू हैव द ब्यूटीफुल हीलिंग्स थ्रू ईएफटी, नो डाउट वी विल टेक सर्टेन सेशंस ऑन ईएफटी सर्टेन टाइम एंड वी विल बी गोइंग फॉर द हीलिंग। हीलिंग में क्या 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 हील करना है हमको, क्या क्या हील करना होगा, पहले अपने विचार को बदलना होगा, मुझे बीमार करने वाला कोई नहीं है, मैं खुद ही अपने आप को बीमार किया है। जब मैं विचारों के द्वारा अपने आप को बीमार कर सकती हूँ, विचारों के द्वारा अपने आप को ठीक भी कर सकती हूँ, है ना, सही बात। तो इस पर हम सेशन आगे कराएंगे। वैसे एडीएचडी है, पैनिक डिसऑर्डर्स है, मेरे पास एक केस आया था पैनिक डिसऑर्डर का, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ, एक सेटिंग में 9:05 को मेरा सेशन चालू हुआ और 9:55 पर वो पूरी की पूरी तरह 100% हील हो गई, पैनिक अटैक्स नहीं आने लगे, उसको घबराहट होती थी, एंग्जाइटी थी बहुत ज्यादा, और नींद नहीं आती थी, पैनिक अटैक्स आते थे उनको,
हर चीज सिम्टम दूर हो गए क्योंकि उनके निगेटिव इमोशंस को मैंने दूर कराया एक ही सिटिंग में 9:55 को हमेली फ्रॉम अगरतला 5:50 के अंतराल में। एक मिनट मुझे बोलने दो प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना, पहले मुझे बोलने दो। मैंने अगर 50 मिनट के समय में उनके निगेटिव इमोशंस को टैप आउट करके बाहर करवा दिया तो उनके जो भी सिम्टम्स थे ना, पैनिक अटैक्स था उनको आता था, इंसोमनिया की बीमारी थी उनको, आत्महत्या करने का मन करता था, बुरे बुरे विचार आते थे, सब के सब एक सेटिंग में हमेशा के लिए खत्म हो गए। बिकॉज आई टच्ड द रूट कॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, सुसाइडल टेंडेंसी, सेकेंड जो है उनको पैनिक अटैक्स आते थे और नींद नहीं आती थी। तो मैंने पूछा क्या बात है, क्या हुआ लाइफ में, तो बताया, सब बताया, तो फिर हमने धीरे धीरे करके विद इन 50 मिनट दैट केस मेरी जिंदगी का इतना बढ़िया केस रहा है ना वो, कि हमेशा के लिए वो उससे बाहर आ चुकी है फॉर एवर। सो आई डिडंट लुक फॉर द सिम्टम क्या हो रहा है, आई लुक फॉर द इमोशन। तो प्लीज सभी इस बात का ध्यान रखें, नेगेटिव इमोशन इज द कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस। थॉट्स हमारे बॉडी में एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। और तीसरी बात के मैं अगर ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं अगर ठीक नहीं हो रही हूँ ईएफटी करने के बाद भी, राइट, इसका मतलब क्या है कि मैं अपने विचारों को बदल नहीं पा रही हूँ। When you change your thoughts, life become change for you, है ना? आज की मुरली में क्या निकला कि आज की या कल की थे, वृत्ति को बदलो, है ना? आज की मुरली में था ना भावना, वृत्ति को बदलो, दृष्टि और कृति ऑटोमेटिकली बदली हो जाएंगे, बिल्कुल दृष्टिकोण, है ना? आज वरदान में यही निकला है ना कि वृत्ति से दृष्टि और कृति बनती है। अगर आप वृत्ति को चेंज करोगे ना, वृत्ति क्या होती है, लास्ट बात पूछता हूँ, वृत्ति क्या है, सोच देखो वृत्ति का अपोजिट नहीं है, संस्कार, एक विचार मैंने किया, मेरी माँ मेरी सास अच्छी औरत नहीं है, वो मुझे कभी पति के साथ प्रेम से जीना नहीं दिया है, उसने मेरी जिंदगी को नरक कर दिया है, सासें होती हैं ऐसी हैं, ये कभी नहीं सुधरेगी, ये ऐसी है वैसी है वैसी है। जितनी बार विचार करोगे ना, एक उसका वृत्त बनेगा, एक कंकड़ डाला पानी में उसका वृत्त बना, दूसरा डाला थोड़ा बड़ा वृत्त बना, तीसरा डाला और बड़ा वृत्त बना, पूरे तालाब के घेरे तक उसकी पेरिफेरी तक वो जाता है वो। और वृत्त मतलब एक ही मेरी भावना बनी, मेरी सास अच्छी औरत नहीं है, माय मदर इन लॉ इज नॉट ए गुड लेडी। तो वो जो वृत्तियां होती है ना, वृत्तियां कहाँ से कैसे टूटती है बताइए मुझे, वृत्ति कैसे टूटती है, कैसे टूटती है वृत्ति, सुरजीत भाई आप बताओ, इसको याद आ रहा है, पतंजलि ने बताया इसके बारे में, सकारात्मक से सकारात्मक सोचेंगे तो फिर विचार बदलेंगे। सच्चा सोच ऐसे थोड़ी होता है, योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध, योग द्वारा कर्मसु कौशलम। तो इसके ऊपर ही सारे आगे सेशन चलेंगे, बहुत डीप में जा रहे हैं हम लोग, तो आप प्लीज सेशन प्लेटफॉर्म को मत छोड़ना। आपके साथ बलराम नहीं है, आपके साथ इस समय भगवान मदद कर रहा है सभी की, टेक इट ग्रांटेड फ्रॉम मी, इट इज नॉट मी, मेरे अंदर इतने इंट्यूशन आते हैं, इसको और अच्छा बनाओ, ठीक है ना, ओके okay.